गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू क्लास सेवन आई एम योर इंग्लिश टीचर बच्चों लास्ट क्लास में मैंने आपको इंग्लिश ग्रामर का लेसन सेवन में प्रेजेंट टेंस पढ़ाया था आज मैं आपको पास्ट टेंस पढ़ाऊंगी बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट यानी पास्ट डेफरेंट टेंस के बारे में इसमें क्या होता है फॉर्म देखिए इसका सबसे पहले सब्जेक्ट फिर की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट अब हम इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं आय वैंट टू स्कूल यस्टरडे देखिए इसमें बीते हुए समय में काम हुआ है यानी ये पास्ट टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस है और हमने इसमें आई के साथ वेंट यानी बर्फ की सेकंड फॉर्म का यूज किया है इसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट है टू स्कूल यस्टरडे नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स केम लेट देखिए यहां पर सब्जेक्ट प्लुरल में है स्टूडेंट इसके साथ भी हमने बर्फ की सेकेंड फॉर्म का ही यूज किया है केम इसके आगे ऑब्जेक्ट है लेट की पास्ट टेंस में जो है कार्य पहले ही हो गया होता है तो वही हमारा पास टेंस होता है यानी पास टेंस मींस भूतकाल बीता हुआ समय अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास निगेटिव यानी पास को हम निगेटिव टेंस में कैसे चेंज करते हैं आ निगेटिव इन द सिंपल पास्ट इज फॉर्म यूजिंग डिड नॉट बिफोर द फॉर्म ऑफ द बर यानी कि यानी कि सिंपल पास्ट टेंस को निगेटिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज करना होता है देखिए हमारा सबसे पहले क्या है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इन पास्ट इंडेफिनेट में तो हम बर्फ का यूज करते हैं लेकिन निगेटिव और इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए हम फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं देखिए हमारा क्या है आई डिड नॉट कम यस्टरडे देखिए इसमें भी यस्टरडे यानी बीते हुए समय में काम हुआ है और लेकिन हमने आई के साथ डिड नॉट का यूज किया है निगेटिव चिम में चेंज करने के लिए और बर्फ की फर्स्ट फॉर्म कम का यूज किया है नेक्स्ट एग्जाम्पल है डिड नॉट अप्लाय फॉर द जॉब देखिए यहां पर वी सब्जेक्ट है और वो प्लूरल में है इसके साथ भी हमने डिड नॉट का यूज किया है नेगेटिव में चेंज करने के लिए पास्ट टेंस को इसके आगे बर्क की फर्स्ट फॉर्म अप्लाई उसके बाद फॉर द जॉब हमारा ऑब्जेक्ट है अब हम पढ़ेंगे सिंपल पास्ट इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले में तो इसमें हमें अ क्वेश्चन इन द सिंपल पास्ट इज फोर्न बाय यूजिंग डिड बिफोर सब्जेक्ट यानी कि हमें सिंपल पास्ट से इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट से पहले डिड का यूज करना पड़ता है और इसमें की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है जैसे कि निगेटिव में मैंने आपको बताया था केवल पास्ट इंडेफिनेट सिंपल टेंस में की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे निगेटिव और इंटेरोगेटिव में हम की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे देखिए ये इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे एग्जाम्पल है डिड शी सिंग आ सॉन्ग देखिए इसमें सब्जेक्ट है शी शी से पहले हमने डिड का यूज किया है उसके बाद हमारा बर्ब है सिंग बर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके बाद हमने आ सोंग ऑब्जेक्ट लिखा है नंबर टू है डिड अमित टॉक लाउडली इसमें अमित हमारा सब्जेक्ट है इससे पहले हमने डिड का यूज किया है इसका बर्ब हमारा है बर्फ की फर्स्ट फॉर्म टॉक उसके बाद ऑब्जेक्ट है लाउडली उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा है बच्चों आप हम पढ़ते हैं पास्ट प्रोग्रेसिव यानी कि कंटिन्यूस टेंस के बारे में देखिए इफ सब्जेक्ट इज आई और अ थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि सब्जेक्ट आई है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस वॉज प्लस बर्ग की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है आई वॉज रीडिंग देखिए इसमें सब्जेक्ट आई है इसके बाद हमने वॉज का यूज किया है हेल्पिंग बर्ग आई के साथ में उसके बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आई प्लस किया है रीडिंग में नंबर टू एग्जाम्पल है शी वाज टाइपिंग अ लेटर देखिए शी हमारा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसके साथ हमने वाज लगाया है हेल्पिंग बर्फ उसके बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आई प्लस किया है टाइपिंग लिखा है उसके बाद आ लेटर ऑब्जेक्ट है हमारा अब नंबर टू है इफ द सब्जेक्ट वी यू और प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट हमारा वी यू है या प्लूरल फॉर्म में है तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस बर्फ प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है वी वार हैविंग डिनर देखिए वी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसके बाद हमने वर्क का यूज किया है उसके बाद हमारे बर्फ की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट नेक्स्ट एग्जाम्पल है द स्टूडेंट्स वर लर्निंग देखिए स्टूडेंट्स प्लूरल में है इसके साथ भी हमने वर् का यूज किया है उसके बाद हमने बर्फी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस किया है अब है पास्ट कंटिन्यूअस निगेटिव यानी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को निगेटिव में कैसे चेंज करते हैं देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वॉज या वर जो भी हमें लगाना है सब्जेक्ट के अनुसार उसके बाद नॉट उसके बाद प्लस हम करेंगे की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस करेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट एग्जांपल है आई वाज नॉट रीडिंग देखिए इसमें आई सब्जेक्ट है इसके बाद वाज लगा है हेल्पिंग बर्ब उस हेल्पिंग बर्ब के बाद हमने नॉट का यूज किया है उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस किया है ऐसे ही प्लूरल वाला एग्जाम्पल है दे वर नॉट डांसिंग देखिए दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है उसके साथ हमने वर का यूज किया है उसके आगे हमने नॉट लगाया है यानी ऑल एक्सी वर्ब वर के आगे हमने नॉट लगाया हेल्पिंग वर्ब के आगे उसके बाद डांस हमारा जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आई एनजी प्लस कर दिया है अब हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम कैसे क्वेश्चन बनाए यानी इंटरोगेटिव में कैसे चेंज करें तो इसमें सबसे पहले वॉज या वर जो भी हमें अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है उसके बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एनजी प्लस ऑब्जेक्ट उसके बाद क्वेश्चन मार्क एग्जाम्पल है वॉज आई रीडिंग देखिए इसमें वॉज हमने आई सब्जेक्ट से पहले लगाया है उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी रीड में प्लस नेक्स्ट एग्जाम्पल है वर दे बाथिंग देखिए दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ हमने वर का यूज किया है और वर हमने सब्जेक्ट से पहले लगाया है उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एनजी प्लस किया है बच्चों अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर यानी फ्यूचर इन डेफिनेट टेंस के बारे में फ्यूचर टेंस मीन होता है भविष्य काल यानी आने वाला समय इफ द सब्जेक्ट इज द फर्स्ट पर्सन आई और वी तो हम क्या करते हैं यदि हमारा सब्जेक्ट आई सब्जेक्ट जो है फर्स्ट पर्सन है आई और वी है तो हम क्या करेंगे सब्जेक्ट प्लस शैल प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और यदि हमारा सब्जेक्ट जो है इफ द सब्जेक्ट इज द सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन यानी हमारा सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन है तो हम सब्जेक्ट प्लस बिल प्लस बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इसके एग्जाम्पल देखिए आई हमारा जो है फर्स्ट पर्सन है इसके साथ हमने शेल का यूज किया था आई शेल विजिट हिम नेक्स्ट वीक देखिए इसमें नेक्स्ट वीक की बात हो रही है यानी आने वाले समय की तो ये फ्यूचर टेंस है और इसमें आई हमारा फर्स्ट पर्सन है इसके साथ हमने शेल का यूज किया है और बर्फ की फर्स्ट फॉर्म विजिट का यूज किया है देखिए नेक्स्ट है दे विल कोऑपरेट विद यू इसमें देखिए दे दे हमारा सब्जेक्ट जो है प्लूरल में है और थर्ड पर्सन है तो हम उसके साथ बिल का यूज किया है हमने तो और उसके बाद बर्फी फर्स्ट फॉर्म को एपरेट का यूज किया है उसके बाद ऑब्जेक्ट विद यू ऐसे ही थर्ड एग्जाम्पल है वी शैल मेक द अरेजमेंट्स देखिए वी हमारा क्या है फर्स्ट पर्सन है उसके साथ हमने शैल का यूज किया है उसके बाद हमने बर्फी फर्स्ट फॉर्म मेक का यूज किया है उसके बाद ऑब्जेक्ट अरेंजमेंट्स का यूज किया है ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल है ही विल पास द एग्जाम विद गुड मार्क्स देखिए ही हमारा थर्ड पर्सन है इसके साथ हमने विल का यूज किया है उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म पास का यूज किया है और द एग्जाम विद गुड मार्क्स ये हमारा ऑब्जेक्ट है इसमें अब हम पढ़ेंगे सिंपल फ्यूचर निगेटिव यानी सिंपल फ्यूचर फ्यूचर इंडेफिनेटेंस को हम निगेटिव में कैसे चेंज करें सिंपल फ्यूचर इंडेफिनेटेंस से हम नेगेटिव में चेंज करने के लिए हमें विल और शेल के बाद नॉट का यूज करना पड़ता है देखिए नंबर वन एग्जाम्पल सबसे पहले क्या करेंगे हम सब्जेक्ट प्लस शैल या विल जो भी हम लगा रहे हैं सब्जेक्ट के अनुसार उसके बाद नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट तो देखिए एग्जाम्पल है वी शैल नॉट कम टुमोरो टूमोरो मीन्स आने वाला कल है ना तो इसमें हमने वी हमारा जो है फर्स्ट पर्सन इसके साथ शेल का यूज किया शेल के बाद हमने नॉट लगाया नेगेटिव में चेंज करने के लिए इसका बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म कम है फिर टुमॉरो है उसके बाद नंबर टू एग्जाम्पल है दे विल नॉट पास द एग्जाम देखिए ये सब्जेक्ट हमारा क्या है थर्ड पर्सन है दे इसके साथ हमने विल का यूज किया है और विल के बाद नॉट का यूज किया है इसको निगेटिव में चेंज करने के लिए फिर पास द एग्जाम पास हमारा बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है उसके बाद द एग्जाम हमारा ऑब्जेक्ट है अब हम सिंपल फ्यूचर से हम उसे इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चंस में कैसे बदलें सिंपल फ्यूचर टेंस से हम इंटेरोगेटिव में यानी क्वेश्चंस में बदलने के लिए हमें विल और शैल को सब्जेक्ट से पहले यूज करना पड़ता है तो देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है शैल और विल अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है उसका प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल है शैल वी गिव हिम आ लैपटॉप यानी वी से पहले हमने शैल का यूज किया है उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव उसके बाद ऑब्जेक्ट है लैपटॉप उसके ऐसे ही सेकंड एग्जाम्पल है विल ही पास द एग्जाम देखिए इसमें हमने सब्जेक्ट ही से पहले विल का यूज किया उसके बाद की फर्स्ट फॉर्म पास था फिर द एग्जाम उसका ऑब्जेक्ट है अब हम सिंपल फ्यूचर इंडेफिनिट को प्रोग्रेसिव यानी कंटिन्यूस टेंस में कैसे चेंज करेंगे देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सब्जेक्ट प्लस विल और शैल जो हम अपने सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं उसके आप प्लस करेंगे बी 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 उसके आप बर्फ की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई जी प्लस ऑब्जेक्ट इसका एग्जाम्पल है वी शैल बी वेटिंग हेयर व्हेन यू रिटर्न देखिए इसमें बी हमारा सब्जेक्ट है उसके साथ हमने बी हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट इसके साथ हमने शैल का यूज किया है उसके बाद हमने बीई बी प्लस किया है लगाया है उसके बाद हमने वेट जो वर्ब बर, बर्फ की फर्स्ट फॉर्म है उसमें आई एनजी जोड़ो है यानी आई एन प्लस किया है उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है वैन यू रिटर्न ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल है ही विल बी स्लीपिंग वी लीव इसमें भी देखिए ही के साथ हमने ही हमारा थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है इसके साथ हमने विल का यूज किया है फिर हमने बी ई बी का यूज किया है फिर बर्फ की फर्स्ट फॉर्म स्लीप में आई एन जी प्लस करके आगे ऑब्जेक्ट लिखा है वैन वी लीव बच्चों इस क्लास में मैंने आपको ये चैप्टर कंप्लीट एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी